प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यूट्यूब पे रील्स नहीं देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप रील्स मत देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रील्स बनाने वाले जो है वो अपने लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में खूब वाहियात चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी डाली जा रही हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, और जो वल्गर चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही हैं, और उसको प्रोपेगेट कराने के लिए ये लोग जो है वो बहुत कुछ लिखते हैं, करते हैं, ठीक है ना। और समाज में हर प्रकार के लोग हैं जो उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है बेटा, आप लोग का माइंड बहुत शार्प है और बहुत इनोसेंट है, वो जो है ये रीड नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो जस्ट लोगों के बहकावे में आ जाता है, उनको फॉलो करने लगता है, ठीक है ना। तो एक मैच्योरिटी लेवल आ जाने के बाद फिर आपको जब सही गलत का फैसला पता चलने लगे तब आप लोग जो मर्जी देखो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन बेटा, अभी जब तक आपकी पढ़ने लिखने की एज है तब तक, क्लास 12 तक मैं कहूँगा कि क्लास 12 तक, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद पूरी लाइफ पढ़ी है, पूरी लाइफ पढ़ी है, जितना मर्जी देखो यार। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, प्रॉमिस करो मुझे, ठीक है। रील्स नहीं देखेंगे, एक सोच लो एक बार कि नहीं देखना है, बस एक बार सोच लो नहीं देखना है। कुछ मूवी देख लो, कुछ मूवी देख लो, कुछ मम्मी पापा के साथ बैठ के सीरियल देख लो, कुछ बाहर जाके आउटडोर गेम खेल लो, मम्मी पापा के साथ खेलो। आपके रियल फ्रेंड बेटा आपके मम्मी पापा हैं, और पूरी दुनिया जो है ना वो समाज, ये केवल यूज़ करने के लिए है, बहकाने के लिए है। तो आप बस एक बार जान लो कि आपको रील्स नहीं देखना है, ठीक है, रील्स मत देखो बेटा। थैंक यू।